हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज का ये वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देखो पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण, भारत एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर था। हम एक्सपोर्ट इन अबंडेंस में करते थे और हमारा जो प्रोडक्ट था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। आपको ये भी पता है कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था और हमारे पास बहुत उम्दा किस्म का प्रोडक्ट था जो कि पूरे वर्ल्ड में उसे पसंद किया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था उससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट था उसमें ड्रास्टिकली चेंजेस आ गया। तो अब हमें यह पढ़ना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह का था, यानी ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़ करके जा रहे थे या ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसा था। तो ऑफ कोर्स वो बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था। अब सवाल यह है कि सर बताइए कि उसका क्या मुख्य कारण था, क्यों ऐसा स्थिति था, क्यों हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बैकवर्ड पॉलिसी कहलाता था। देखो सबसे पहला कारण उसका है कि हेवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यानी होता क्या था, पिछले वीडियोस में भी हमने ये डिस्कशन किया है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और अपने यहाँ उन सारे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और फिर दोबारा उन फिनिश्ड गुड्स को हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। तो ये जो रॉ मटेरियल वो अपनी कंट्री में जो एक्सपोर्ट किया करते थे उसके लिए एक स्पेशल टर्म है, उसको आप हमेशा याद रखोगे, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और इन सारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, कॉटन आता है, ठीक है, रॉ सिल्क आता है, जूट आता है, इवन शुगर भी आता है और इंडिगो भी आता है। तो ये कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स था जिनका हम ब्रिटेन में एज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया करते थे और ब्रिटिशर्स इनकी मदद से वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बना के हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया करता था, यानी हम उसे इम्पोर्ट करते थे। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिलसिला था ये बिल्कुल ड्यूटी फ्री था, यानी इस पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था जरा सोचो, इससे क्या ब्रिटिशर्स क्या कर रहा था, हमारे कंट्री को एक रॉ मटेरियल सप्लायर मात्र बना के छोड़ रहा था, यानी वो ये चाह रहा था कि इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना हो। तो कहां पे हो, ब्रिटेन में केवल फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो और उन फिनिश प्रोडक्ट्स का हम अपने कंट्री में यूज करें। तो इसलिए इन्होंने इन दोनों को टैक्स फ्री कर दिया, अंडरस्टैंड। लेकिन जो पहले हम फिनिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे जिसका पूरे वर्ल्ड में कद्र था, उन सारे प्रोडक्ट्स पे ब्रिटिशर्स ने हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर लगा दिया, जिस वजह से उन सारे प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी बढ़ गई और उन सारे प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में वो घट गया और हम जो है हमारा जो इंडस्ट्री है जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता था वो डिक्लाइन कर गया। ये सबसे पहला फीचर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ फिनिश ब्रिटिश गुड्स। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनके यहाँ ब्रिटिशर्स अपने यहाँ ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बनाते थे और फिर उसे हमारे कंट्री में सप्लाई करते थे, तो हम उन सारे गुड्स का इंपोर्ट किया करते थे और उस पर कोई टैक्स नहीं था, ड्यूटी यानी टैक्स फ्री था। तो वो सामान काफ़ी सस्ते में हमारे यहाँ बेचते थे,
ठीक है, तो हम अल्टीमेटली उनके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से हमारा वजूद क्या हो गया, हम सिंपली रॉ मटेरियल सप्लायर हो गए, और हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिशर्स के फिनिश्ड गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा उनका पॉलिसी देखिए एक्सपोर्ट सरप्लस का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट सरप्लस? एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब है, ये बात कहना है मुझे कि देखिए ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड इंडिया का जो एक्सपोर्ट था दैट इज मोर देन द इम्पोर्ट। और आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूँ इंडिया किस चीज़ को एक्सपोर्ट करता था, प्राइमरी गुड्स का वो एक्सपोर्टर था। तो एक्सपोर्ट जो हमारा था वो इम्पोर्ट से ज़्यादा था, और जब भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा है तो उसे उस कंडीशन को हम लोग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इससे क्या है कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस आ जाता है, एक्सपोर्ट सरप्लस यानी फॉरेन करेंसी हमारे पास अधिक मात्रा में आ जाता है। और उस फॉरेन करें जिस कंट्री के पास भी फॉरेन करेंसी अधिक मात्रा में होता है, और ये कब होता है, जब एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, जब हमारे पास जब किसी भी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी अधिक मात्रा में होता है तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। लेकिन इस केस में, ब्रिटिशर्स के केस में, कलोनियल पीरियड में हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस तो था, पर उन एक्सपोर्ट सरप्लस का हम ब्रिटिशर्स हमारे लिए उसका यूज नहीं करते थे। तो वो एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज कहाँ कहाँ करते थे, तो इन तीन केसेस है, इन तीन जगह पे वो खर्च करते थे। पहला कि उस एक्सपोर्ट सरप्लस से वो अपने ब्रिटेन में ऑफिस सेटअप करते थे, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर। ब्रिटिश आर्मी जो भी वॉर लड़ती थी उनसे उसका सारा खर्च इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से मिट किया जाता था। और तीसरा, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज, आप याद रखोगे। दो चीज हम इंपोर्ट करते थे, एक एक गुड्स और दूसरा सर्विसेज। तो सर्विसेज जब हम इंपोर्ट करते थे उसे कहते थे इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। और इस तरह से जो एक्सपोर्ट सरप्लस का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया एक्सपोर्ट सरप्लस का, पहली बार इस चीज को खुल करके किसने बोला, दादा भाई नारोजी ने। इवन उसने इस पे कई आर्टिकल्स और कई बुक्स लिखे हैं, और उस बुक का नाम है ड्रेन थियरी। उसने ये ड्रेन थियरी हमें बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को एक्सप्लॉइट किया। अगले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का अगला टॉपिक समझाऊंगा, और अगला टॉपिक है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ फॉरेन, द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।